श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर भव्य राम मंदिर का नक्शा पास होने के बाद से श्री राम मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी देखी जा रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए अब बड़ी मशीनों का आना भी शुरू हो गया है। बता दें, एडीए से राम मंदिर का नक्शा अप्रूव होने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने में तेजी आई है। मंदिर की नींव की खुदाई में प्रयोग होने वाली बड़ी मशीनें मंदिर परिसर में पहुंच चुकी हैं। श्री राम भक्तों के लिए खुशखबरी ये है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पितृपक्ष के समाप्त होने के बाद 17 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख निर्माण कंपनी लार्सन एंड टूब्रो राम जन्मभूमि परिसर के 12,879 वर्ग मीटर क्षेत्र में भव्य मंदिर की नींव रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और यही नहीं, कंपनी बिना किसी शुल्क के मंदिर निर्माण का कार्य कर रही है। मंदिर की नींव तैयार करने के लिए सतह से लगभग 100 फीट नीचे 1200 खंबे लगाए जाएंगे। ये खंबे पत्थर के होंगे और इनमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन खंबों पर फिर से नींव की एक और परत बिछाई जाएगी। मंदिर की आधारशिला के लिए धरातल से करीब 100 फीट नीचे 12,000 खंबे स्थापित किए जाएंगे। इन पिल्लरों का निर्माण पत्थरों से होगा और इसमें लोहे का प्रयोग नहीं होगा। फिर दोबारा इन पिल्लरों पर अन्य स्तर की आधारशिला रखी जाएगी। निर्माण कंपनी ने मुंबई से मशीनों को मंगवाया और बाकी हैदराबाद से मशीनों को मंगवाने की प्रक्रिया में है। ट्रस्ट की ओर से मंदिर के आधारशिला निर्माण के लिए करीब 100 मजदूरों को लगाया जाएगा। बता दें, बीते सप्ताह अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने राम मंदिर और पूरे राम जन्मभूमि परिसर का नक्शा पास किया था। प्रस्तावित राम मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा। ट्रस्ट के अनुसार मंदिर की आधारशिला आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर बनाई जाएगी ताकि इसे 1500 वर्षों तक और इसकी संरचना को 1000 वर्षों तक संरक्षित किया जा सके। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि स्थल पर भूमि पूजन में भाग लेने के लिए अयोध्या गए थे। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन की घोषणा की थी। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।